जिनकी आवाज सुनकर सब हो जाते हैं मोहित, चेहरा उससे भी ज्यादा मनमोहित, जिनके मोहल्ले का नाम सेक्टर 14 से हटाकर उनके नाम पर फैज नगर रख दिया गया है। उनके मोहल्ले का हर बच्चा उनके जैसा बनना चाहता है। वो है द वेरी टैलेंटेड सिंगर, आप सबके फेवरेट मोहम्मद फैज। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको। मोहम्मद फैज को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इन दिनों सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में ये अपनी रूहानी आवाज से जजेस को तो इम्प्रेस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इनकी छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं। लेकिन आपको क्या ये पता है, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के पहले ये लव मी इंडिया किड्स और सारे का मापा जैसे फेमस टीवी की सिंगिंग रियलिटी शो में आ चुके हैं। काली काली आंखें। लेकिन इतना बेहतरीन गाने के बाद भी ये सफल क्यों नहीं हुए, ये उन रियलिटी शो को आखिर क्यों नहीं जीत पाए, तो ये जानने के लिए आपको इनके लाइफ की फ्लैशबैक में चलना होगा, जहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और आप जानेंगे इनके लाइफ के वो सारे अनसुने राज जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं। 16 फरवरी 2008 को राजस्थान के जोधपुर के एक मुस्लिम गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप मोहम्मद फैज के नाम से जानते हैं। फैज ने बचपन से ही बहुत ही गरीबी का सामना किया, क्योंकि इनके पापा के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज था। उस कर्ज को उतारने के लिए वो कुवैत कमाने चले गए और मम्मी एक हाउसवाइफ थी। इनके पापा का नाम सागीर अहमद है और मम्मी का नाम फनुष बानो है। इनकी दो बड़ी बहनें हैं और ये अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी छोटी वाली दीदी को ये सीए बनाना चाहते हैं और दोनों बहनों की बहुत ही ज्यादा धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। मैं इनको बहुत बड़ा सीए बनाना चाहता हूँ। मेरा एक और सपना है कि मैं मेरी दोनों दीदी की शादी जो है बहुत धूमधाम से करूं, कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं हो ऐसी। फैज की अगर एजुकेशन की बात करें तो वो अपने जोधपुर के एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर रहे हैं। इस टाइम वो क्लास 8th में है। वो अपने स्कूल में सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के लड़के हैं। उनके स्कूल में दोस्त बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर फैज के करियर की बात करें, इनके करियर की शुरुआत की नींव बहुत छोटी सी उम्र में रख दी गई थी। इनके नाना जी क्लासिकल सिंगर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पापा विदेश में रहा करते थे, तो अक्सर इनकी मम्मी अपनी सभी बच्चों को लेकर इनके नाना के घर अक्सर जाया करती थी। इनके नाना बहुत ही अच्छा गाते थे, जिनको फैज बहुत गौर से सुना करते थे और खेलते खेलते उस गाने को गुनगुनाया करते थे। एक दिन इनके नाना ने ये सुन लिया और उन्होंने कह दिया कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और बात 2017 की है, तब ये 9 साल के थे। इनके दादाजी को सारेगामापा के ऑडिशन के लिए कॉल आया। इन्होंने फैज को भेज दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, वो भी जस्ट मेगा ऑडिशन से पहले। फैज ने इसी सीजन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए भी ऑडिशन दिया, लेकिन वहाँ भी वो रिजेक्ट हो गए। उस छोटे से फैज को भले ही रिजेक्शन मिला हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अभी मुझे और तैयारी की जरूरत है, और पूरी तैयारी के साथ वो 2018 में लव मी इंडिया किड्स के सिंगिंग रियलिटी शो में आए। जहाँ पर अपनी पहली परफॉर्मेंस से ही सबका दिल जीत लिया। वो बहुत अच्छा उस शो में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो शो वो जीत नहीं पाए। उस शो के वो फर्स्ट रनर अप बने। हमारे फर्स्ट रनर अप का जिन्हें मिलेंगे खूब सारे पैसे, मोहम्मद फैज। लेकिन फिर भी वो ये शो जीत नहीं पाए। इस शो के भी वो फर्स्ट रनर अप रहे, लेकिन अब 2022 में सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में आए हैं, जहां पर वो ढेर सारी उम्मीद लेकर आए हैं। और यहां पर तो ऑडिशन राउंड से ही उन्होंने सबकी हवा टाइट कर रखी है। लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं।
लेकिन अब देखना ये है क्या वो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 जीतेंगे, क्या उनकी बरसों की मेहनत रंग लाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप भी इनको जीतते हुए देखना चाहते हैं तो #FazWinner जरूर लिखिएगा। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले। तो चलिए ये थी मोहम्मद फैज की अब तक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर करिएगा लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद फैज सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 जीते तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं, तो ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम ना हो रहेंगे।